हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस क्वेश्चन को आपके जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे जो रिसेंटली आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए हैं मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया है सो so, आपके टू टू थ्री मंथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so दैट आपको जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका साइंस सेक्शन अच्छे से हो जाए आपके जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से उसको आंसर कर सको सो so, बिना टाइम वेस्ट किए लेट स्टार्ट बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेलाइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू तो टाइम मिलती रहे सो so, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के विच मिरर इज़ यूज एज बैक व्यू मिरर इन व्हीकल्स सो आपको पता है आपके पास तीन टाइप के मिरर होते हैं आपके पास प्लेन मिरर होता है कॉन्केव मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है तो आपका जो बैक व्यू जो आप व्हीकल्स में देखते हो वो किससे देखते हो आप ए कॉन्केव मिरर से देखते हो ए इज़ राइट ऑप्शन ठीक है साथ में आपके कॉन्केव कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्वेक्स मिरर से देखते हो अब साथ में आपके कॉन्वेक्स मिरर किस चीज़ में यूज़ होते हैं आपके स्ट्रीट लैम्प्स में भी ये यूज़ होते हैं इनको हम डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं एंड कॉन्केव को कन्वर्जिंग बोलते हैं मिरर ठीक है तो आपके अब कॉन्केव कॉन्वेक्स uh, के बारे में पढ़ लिया अब कॉन्केव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्केव मिरर आपके कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं शेविंग मिरर्स में यूज़ किए जाते हैं और डॉक्टर्स के डॉक्टर्स भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड आपको पता है प्लेन मिरर आपके देखने के काम आता है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ तो किस चीज़ का अलॉय है आपका ब्रास तो ये अलॉय है आपका कॉपर और जिंक का ठीक है डी विल बी द राइट ऑप्शन कॉपर और जिंक का कॉपर कितना होता है आपका सेवेंटी परसेंट आपका इसमें कॉपर होता है ब्रॉस में और थर्टी परसेंट आपका क्या होता है जिंक होता है नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड इज कॉस्ड बाय तो टाइफाइड किसके द्वारा कॉल्स होता है आपके बैक्टीरिया द्वारा कॉल्स होता है जिसका नाम क्या है सेल सॉरी सैल मनेराइफी ठीक है और ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है या आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दैट इज़ ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू तो ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है इस कलर रेवोल्यूशन पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है आपके ग्रीन ब्लैक गोल्डन ब्राउन ब्लू येलो सिल्वर वाइट जितने भी सारी रेवोल्यूशनस हैं मैंने कलर रेवोल्यूशन पे पूरी एक वीडियो बनाई है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जर्नल साइंस के सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है बहुत हेल्प करेगी क्योंकि आपके ये रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं तो आपकी जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो फिश फिश से रिलेटेड है आपकी मिल्क रेवोल्यूशन किस कलर से वाइट से रिलेटेड है ऑयल सीड आपकी येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड है एंड फर्टिलाइजर्स आपके ग्रे कलर के रेवोल्यूशन से रिलेटेड है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच पार्ट ऑफ द प्लांट के वज सैफरन से कौन सा पार्ट देता है हमारा आ, प्लांट का तो आपको पता होना चाहिए सैफ्रन क्या है एक स्पाइस है ठीक है एंड ये किससे ड्राइव होता है ये स्टिग्मा फ्लार के स्टिग्मा से ड्राइव होता है अगर यहाँ पर फ्लार दिया होता है ऑप्शन स्टिग्मा नहीं भी दिया होता ऑप्शन में अगर फ्लार दिया होता तो इट वुड बी अ राइट ऑप्शन क्योंकि स्टिग्मा क्या है फ्लार का ही एक पार्ट है नेक्स्ट बात करेंगे विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फर्स्ट हाईली इफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर रेडिएशन तो इसका आंसर रहेगा बी लंग्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द वेव्स यूज इन सोनोग्राफी इज तो कौन सी यूज वेव्स uh, यूज, यूज की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच एसिड इज यूज टू रिमूव आयरन स्टेन रस्ट स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ तो आपकी जो जंग लगाव होता है क्लोथ्स में वो किस एसिड से रिमूव होता है तो वो होता है आपके ऑग्जैलिक एसिड से ऑग्जैलिक एसिड में क्या आप, किस में मिलता है आपको ये टोमेटो में मिलता है मैलिक एसिड आपके अनराइप एप्पल्स या जो ग्रेप्स होते हैं उसमें होता है सिट्रिक आपको पता है आपके लेमन हो गया ऑरेंज हो गया जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट्स हैं उसमें मिलता है ठीक है सो ए विल बी द राइट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप टाइप ब्लड टाइप बी को सेफली डोनेट ब्लड टू दर्सन विद विच ऑफ द ब्लड टाइप्स तो आपको पता है जो बी है वो तो बी को डोनेट कर सकता है साथ में ए बी क्योंकि आपका वो क्या है एक यूनिवर्सल रेसिपिशियट है ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द विच इज वट इज द फुल एम रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड

तो कौन से मेटल्स आपके जर्मन सिल्वर में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके कॉपर जिंक एंड निकल तीन होते हैं ये ठीक है ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है इसमें कॉपर सिक्सटी परसेंट होता है जिंक ट्वेंटी परसेंट होता है और निकल ट्वेंटी परसेंट होता है नेक्स्ट बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू तो किस चीज़ से आपको पता है वाइट आपके मिल्क से रिलेटेड है आपकी जो कॉटन रेवोल्यूशन है वो किस कलर से रिलेटेड है आपके सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है आपकी कॉटन रेवोल्यूशन ठीक है एंड आपके फर्टिलाइजर्स है मैंने आपको भी बताया ग्रे रेवोल्यूशन है एंड एग प्रोडक्शन से आपकी सिल्वर रेवोल्यूशन है जो कि आपकी इंदिरा गांधी ने स्टार्ट की थी ठीक है नेक्स्ट है विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपके माइक्रोफोन ये करते हैं सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट बात करेंगे बेकिंग सोडा इज अ तो बेकिंग सोडा क्या है आपका तो इसका जो आपका आंसर रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट है होता है वो ठीक है ए इज द राइट ऑप्शन इसका फॉर्मूला क्या रहता है एन ए एच सी ओ थ्री ठीक है नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबो इज कॉस्ट बाय तो कौन आ, कौन कॉज करता है आपके माइक्रो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबोक्लॉसिस ठीक है बैक्टीरिया कॉज करता है ये और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबोक्लॉसिस ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की थ्योरम इज ड्राइव थ्योरम इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका जो आंसर रहेगा वो मोनाजाइट रहेगा ए रहेगा ठीक है नेक्स्ट ड्राई आइस इज़ अ तो क्या है ड्राई आइस एक सॉलिड सी ओ टू है आपकी ठीक है स्वाइन फ्लू इन्फ्लुन्जा uh, स्वाइन इन्फ्लुएंजा या आपको स्वाइन फ्लू इज कॉज बाय तो किस एक वायरस द्वारा कॉज किया जाता है और इसको एच वन एन वन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है ये रिवर्स पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी बहुत बार नेक्स्ट है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय तो वो आपका हाइग्रो मीटर मेजर करता है हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी करता है इसको मेजर एंड बैरोमीटर क्या करता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है तो बी विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट बात करेंगे वाटर गैस इज कम्पोस्ट ऑफ तो वाटर गैस आपके कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन से बनती है नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है अनेमिया कॉज करती है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं वन सिक्सटी क्वेश्चन की पी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज तो क्या होता है आपका पी स्लाइटली बेसिक होता है सी क्योंकि उसका क्या होता है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव के बीच में होते हैं तो आपको पता है सेवन के बाद क्या होता है बेसिक होता है और सेवन से पहले क्या होता है एसिडिक होता है एंड सेवन क्या है न्यूट्रल है ना वेन एन वेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एरोप्लेन एन एरोप्लेन देयर इज एन इंक्रीज इन तो किस चीज़ में एक्सिलोरेशन में इंक्रीज होता है नेक्स्ट ब्रास इज मेड अप ऑफ सी आपके जो एलॉयज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं uh, तीन चार जो क्वेश्चन हैं आपके वो बनते ही बनते हैं मतलब बहुत ये जो ब्रास हो गया स्टील हो गया ऐसे ऐसे टिन हो गया मतलब इनके जो कंपाउंड्स है ये ऐसे ऐसे करके पूछे ही जाते हैं ठीक है तो ब्रास मैं आपको अभी बताया था कॉपर और जो आपके जिंक का वो कॉम्बिनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये चीज़ फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है सेवेंटी परसेंट इसमें टिन होता है सॉरी कॉपर होता है एंड थर्टी परसेंट आपका जिंक होता है नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका ब्रू रेवोल्यूशन आपको पता है ये भी हमने बात कर ली थी कि फ़िश प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच लेंस इज़ यूज फॉर करेक्टिंग हाइपर माइट्रोपिया तो हाइपर कौन सा वो करता है हाइपर करता है आपका कॉन्वेक्स लेंस ठीक है कॉन्कीव लेंस आपका मायोपिया ठीक करता है मायोपिया क्या है शॉर्ट साइटेडनेस है आपकी एंड ये हाइपो क्या है आपका फार साइटेडनेस है ठीक है नेक्स्ट है विच वट इज़ द पी एच ऑफ योर गैस्ट्रिक जूस तो वो है आपके वन पॉइंट वन पॉइंट से लेके थ्री पॉइंट ठीक है टू उसके बीच में रहता है आपका तो. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नॉन ब्लड नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो विटामिन डी की डेफिश uh, के की डेफिशिएंसी से आपको ये होता है एंड डी uh, की डेफिशिएंसी से आपको रिकिट्स होते हैं सी की स्कर्वी होते हैं एंड बी की आपको बेरी बेरी होती है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमने अभी बात की थी हमारा हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है विच डिजीज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉक जॉ डिजीज तो इसको टेटनेस को बोला जाता है डी विल बी द राइट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू अभी हमने बात की वाइट रेवोल्यूशन आपके मिल्क से रिलेटेड है uh, ये क्वेश्चन आपके साइंस का नहीं है नेक्स्ट इज विच विच वॉज द फर्स्ट सिंथिसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यूरिया वॉज द फर्स्ट सिंथिसाइज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट ज ए सी इंटू हाई वोल्टेज ए सी एंड तो आपके ट्रांसफॉर्मर ये आ, काम करता है नेक्स्ट बात करते हैं विच विच इज कॉल्ड ब्लड शुगर तो आपका ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर कलर्ड लेटर्स विच अपेयर लीस्ट रेज इज तो आपका रेड कलर होगा लाल विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट है इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोविंग डज नॉट चेंज तो इसकी एक्सलरेशन चेंज नहीं होगी ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन तो आपको पता है फ्यूजन बहुत हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करती है फ्यूजन रिएक्शन जो होती है आपकी विच मिररर इज़ यूज एज लुकिंग ग्लास हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी लुकिंग ग्लास में आपके प्लेन मिरर आते हैं कॉन्वेक्स आपके आ, किस में आते हैं रेयर व्यू में जो आपके व्हीकल्स में यूज होते हैं कॉनके आपके आ, जो है डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं शेविंग मिरर्स के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज़ तो कॉस्टिक सोडा का फुल फॉर्म मतलब आपका फॉर्मूला क्या रहता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है ठीक है सी विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट इज़ हैज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ़ विच दैट इज योर विटामिन सी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पेपर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ तो पेपर किस चीज़ का प्रोडक्ट है आपके सेलूलोज का प्रोडक्ट है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच विटामिन इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमन इन यूरिन इज आपका विटामिन सी क्योंकि आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है आपका विटामिन बी और विटामिन सी क्या है वो ही वाटर सोल्यूबल है बाकी आपका कीड़ा से आप याद रख सकते हो ये विटामिन सॉरी ये वाटर सॉल्युबल नहीं है वाटर सॉल्युबल सिर्फ बी सी है एंड कीड़ा जो है आपका वो वाटर सॉल्युबल नहीं है आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो मैंने इस पर भी एक पूरी वीडियो बनाई है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स एक्वायर स्पेरिकल शेप ड्यू टू द फिनिना ऑफ तो किस चीज़ के फिनोमिना से आपके सर्फस टेंशन के फिनमिना से ऐसा होता है तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यूनिवर्सल डोनर्स आर

इन विच यूनिट तो आपकी कैलोरी के यूनिट में उसको मेजर किया जाता है विच डज़ नॉट कंटेन सिल्वर तो हमने अभी जर्मन सिल्वर की बात की थी उसमें आपने हमने क्या पढ़ा था कॉपर निकल और क्या होता है उसमें जिंक होता है तो सिल्वर तो नहीं होता सो ए विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन तो किस चीज़ में फास्टेस्ट ट्रैवल करती है साउंड किसमें आपकी स्टील में या हम बोल सकते हैं सॉलिड में बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है नेक्स्ट है आपका मेटिजम फॉर ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग तो किस चीज़ को यूज़ करके ये रिमूव किया जा सकता है कि सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज़ करके इसको रिमूव किया जा सकता है नेक्स्ट मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इफ दे आर यूज इन क्लाइडल स्टेट्स विल बी द राइट ऑप्शन क्योंकि वो बहुत ईजिल एसिमुलेट हो जाती है ऑब्जर्व हो जाती है डाइजेस्ट हो सकती है फिर ठीक है दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज़ डिटमाइंड बाय द क्रोमोजोन इन्हींटेड फ्राम द द फादर के क्रोमोजोम से होता है क्योंकि मदर में तो एक्स एक्स ही होता है फादर के पास एक्स वाई होता है अगर वाई क्रोमोज़ोन आ जाता है तो वो मेल बन जाता है अगर एक्स ही आएगा तो वो फीमेल बनेगी क्योंकि आपको पता है एक क्रोमोजोम आपको क्या पता है ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स मदर से आते हैं ट्वेंटी थ्री फादर से आते हैं ठीक है ठीके? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वॉशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज तो वॉशिंग सोडा को केमिकली क्या बोला जाता है इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है ठीक है डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है डॉट टेन एच टू ओ लगता है उसमें आगे ठीक है डेकाहाइड्रेट विच मेटल इज यूज विच मेटल इज़ फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर तो आपको पता है गोल्ड फ्री स्टेट में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इन एटीन कैरेट गोल्ड इज़ आपको पता है एटीन कैरेट होता है ट्वेंटी टू कैरेट होता है ट्वेंटी फोर कैरेट होता है तो एटीन कैरेट में कितना होता है आपके सेवेंटी फाइव परसेंट होता है नेक्स्ट है आपका कार्सी जेन, जेनिक केमिकल्स कॉजेस क्या कॉज करते, है? करते हैं वो आपके कैंसर कॉज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज एज रॉ मटीरियल फॉर मैनुफैक्चर ऑफ रियॉन तो आपको पता है रियॉन क्या है एक मैन मेड फाइबर है बट ये नेचुरल फ़ाइबर से ड्राइव किया जाता है आपके नेचुरल नेचुरल इंग्रीडियंट से मटीरियल से ड्राइव किया जाता है दैट इज़ योर सेलोलोज एक ही मात्र ये ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो आपके लिविंग थिंग से ड्राइव किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द तो कहाँ होती है आपकी लॉन्गेस्ट बोन आपको पता है वो थाए में होती हैं दैट इज योर क्या बोलते हैं उसको फीमर बोलते हैं उस बोन का नाम क्या है फीमर होती है नाउ विच डिजीज इज कॉस्ड बाय द डिफिशंसी ऑफ आयरन दैट इज योर एनीमिया इज कॉस्ड इन रेफ्रिजरेटर वट प्रोड्यूस कूलिंग तो आपका द सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस कूलिंग प्रोड्यूस करती है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफिक फ़ोटोग्राफी आर तो इसमें क्या होती है आपकी रेड ब्लू एंड येलो होता है ए इज़ द रेड राइट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका दे हेयर हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंगज टुगेदर क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू द ये भी आपका सर्विस टेंशन की वजह से ही होता है क्योंकि वाटर पार्टिकल सबसे कम मिनिमम स्पेस ऑब्जर्व करना चाहते हैं ठीक है सो ए विल बी द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन यूज़ ऑफ सॉल्ट इन आर डाइट इज टू ताकि सॉल्ट क्या करता है हमारे डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है तो बी विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच विटामिन इज ऑप्टेंड फ्राम सन रेज तो विटामिन डी इज़ ऑप्टेंड फ्राम यूर सन रेज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्परेटरी रेट ऑफ जस्ट बॉर्न बेबी इज तो उसका क्या होता है थर्टी टू सिक्सटी मिनट पर सेकेंड जाती है तो थर्टी टू विल भी द राइट ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया रेफर्स टू तो क्या रेफर न, क्या मतलब होता है ये इसका मतलब होता है लो शुगर लेवल इन ब्लड ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्लास फ्लास एमिट फ्रेगरेंस टू तो क्या अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को ये ही करते हैं नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो किस में होती है आपके गैसेस और लिक्विड्स में ही होती है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो बी सुक्रोज रहेगा आज के लिए हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है और क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे जब तो मैं नई पी डी एफ बना के उनको सॉल्व कर लूँगी आपके लिए नई वीडियो बना लूँगी आज के लिए ये वीडियो इतनी काफ़ी हैं अट्ठारह बीस मिनट की एक वीडियो काफ़ी होती है हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है एंड आपको पता है आपको क्या क्या रिवाइज़ करना है इस चीज़ के लिए आपके जो जे ओ ए का एग्ज़ाम भी आ रहा है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आपके लिए ये वीडियो अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू